गए और हम क्या करते रहे, सिर्फ हमने चूड़िया पहन करके बैठी रहे। 40 साल समय में होंगे देखते देखते, हमारे बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं जब से ये मंदिर है। केजरीवाल ने SDM पे दबाव डाला है, इसलिए ये मंदिर तोड़ा गया है। हमसे क्या प्रॉब्लम है, हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है, ये पूछना चाह रहे हैं हम केजरीवाल से। अब ये वो हिंदू नहीं है जो सोया हुआ है, अब हिंदू जाग चुका है। सबके ऊपर से बुलडोजर जाएगा तब मंदिर के पास पहुँचेगा। 30 साल से यहाँ पर, 40 साल पुराना मंदिर क्यों तोड़ देंगे हम। दिल्ली के मंडावली इलाके में एक शनि मंदिर को लेकर सुबह से ही बवाल है। आपको बता दें यहाँ पर दिल्ली पुलिस कर्मी और तमाम CRPF के जवान हैं मौजूद है। दरअसल पूरा मुद्दा यह है कि यहाँ पर जो मंदिर है वो कुछ हिस्सा बताया जा रहा है कि जो रेलिंग है वो अवैध तरीके से वहाँ पर वो अतिक्रमण है और इसी को तोड़ने के लिए बुलडोजर मंगाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसका विरोध जताया और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद है। ज़रा दिखाइए, यही है वो सिद्ध श्री शनिदेव मंदिर जो कि दिल्ली के पूर्वी स्कूल मंडावली में स्थापित है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये मंदिर कोई नई 2500 वर्ष पुरानी मंदिर है। अब ज़रा मंदिर के हम अंदर आ चुके हैं और तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्या कहना चाहेंगे। अवैध है बोल रहे हैं, ये अवैध है तो वो भी अवैध है, जो सामने ये 20 गज में इसमें अवैध है तो 500 वो तो 1000 गज का है तो वो भी अवैध होनी चाहिए। अवैध है ये मंदिर, 20 गज का, 20 गज की मंदिर है ये, ठीक है, ये अवैध है तो वो सामने मस्जिद भी तो बने हुए वो भी अवैध ही होंगे, वो भी अवैध है, फिर इसका मतलब माँ गाय भैंस कट रही है वो सही है, जो खून हम खान हो रहा है वो अच्छा लग रहा है तुम्हें। अच्छा, ये मंदिर तोड़ने से पहले आप लोगों को सूचित किया गया था? बिल्कुल नहीं सूचित किया गया। और क्यों तोड़ेंगे, किस लिए तोड़ेंगे, आप ये तोड़ रहे तो वो भी तोड़ो, सामने जो है कौन तोड़वा रहा है, कौन तोड़वा रहा है, प्रशासन चल रही है, यहाँ के DM तोड़वा रहे हैं, यहाँ पे केजरीवाल तोड़वा रहा है। क्या कह रहे हैं, केजरीवाल मंदिर तोड़वा रहा है जी, यहाँ के SDM तोड़वा रहा है और क्या, केजरीवाल तोड़वा रहा है मंदिर 30 साल से है। मंदिर बचाने के लिए और किस लिए है, इतने बड़ा मस्जिद लोगों को नहीं दिखाई देता, छोटा सा मंदिर दिख रहा है, क्या करें, हमारा छोटा मंदिर है, पाकिस्तान नहीं जा सकते ना, हमें पूजा पाठ नहीं करनी है, मुसलमानों के मस्जिद में नमाज होनी है, नहीं हमें नहीं कुछ चाहिए, छोटा सा मंदिर हमें भी तो पूजा करने के लिए चाहिए चाहिए। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं हमारे मजार भी तोड़े जा रहे हैं, कहाँ तोड़े जा रहे हैं, कहाँ टूट रहे हैं, ये इतनी बड़ी मस्जिद है कहाँ टूट रहे हैं, क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं, ये क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, ये मजार साहब मस्जिद है ये क्यों नहीं टूट रही है, यही क्यों टूट रहा है, वो कितने बड़े बड़े बने हुए हैं तो छोटा सा है हमारा मंदिर, फिर इस पे क्यों है ऐसा तोड़ने का, ये इतनी बड़ी मस्जिद खड़ा रखे, सारा सुरंग बना रखे, उसके लिए कोई ऑर्डर नहीं है। ये मंदिर बनाया गया कब, दिनों से मंदिर है ये, 40 साल पुराना मंदिर है ये, 40 साल पुराना, क्यों तोड़ा जा रहा है, अभी ये साजिश है, केजरीवाल की साजिश है, ये केजरीवाल की साजिश से किया जा रहा है सब, ये लोग जो है ना तोड़ रहे हमारे मंदिर को और कंप्लेंट पे कंप्लेंट दे रहे हैं। मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है, केजरीवाल तोड़वा रहा है, हम लोग किससे जला रहे, हिंदू भाई से मोमडन से मिले हुए हैं वो, केजरीवाल केजरीवाल पुलिस वाले मिले हुए हैं, केजरीवाल भी मिले हुए हैं, इतना सा मंदिर नजर आ रहा है, ये इतनी बड़ी अवैध मस्जिद ये नजर नहीं आ रही, चढ़ाएंगे मस्जिद में, हम तो मंदिर छोटा सा मंदिर है हम लोग का, ये मंदिर कब से है आखिरकार, हो गया 5-6 साल, 5-6 साल से ज्यादा हो गया। यहाँ पे 3 लड़कों ने कंप्लेंट की जो कि हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा अच्छी तरीके से बना हुआ, आज तक किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं है, ये मंदिर बना हुआ है, 3 शरारती लड़कों ने कंप्लेंट की, जो मोनू विधायक है आम आदमी पार्टी का, उसने एक्शन लिया और SDM साहब को यहाँ पर भेजा, SDM साहब आम आदमी पार्टी के विधायक ने एक्शन लिया, हाँ उसने एक्शन लिया और कंप्लेंट दी सीधी SDM साहब को, SDM साहब यहाँ आए और उन्होंने ये ग्रिल वगैरह तोड़ी लोगों से। मंदिर जो टूट रहा है उसका क्या कारण है, कारण सिर्फ यही है कि जो मोनू विधायक हैं यहाँ कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी साइड के, उन्होंने SDM साहब को कंप्लेंट दी और उन्होंने संज्ञान में लेकर खुद यहाँ चल करके आए, SDM साहब, जब SDM साहब चल करके आए तो उन्होंने कहा ये ग्रिल व्रिल हटा लो नहीं तो आपका मंदिर तोड़ देंगे, तो सब लोगों ने विरोध किया, विरोध के साथ साथ लाठी चार्ज पुलिस से कराया SDM साहब ने, हमारी निगम पार्षद महिला हैं उनके सर में चोट आई हुई है, वो हॉस्पिटल गई हैं अभी, यहाँ की निगम पार्षद शशि चांदना है उनके सर में चोट आई है। आपको बता दें स्थानीय लोगों का एक ये भी आरोप है कि शशि चांदना जो यहाँ की पार्षद है उनको भी चोट आई है इस दौरान, मौके पर देखिए इलाके की जनता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और आपको बता दें यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है।
देखिए लगातार केजरीवाल चोर के नारे लगा रहे हैं यह तमाम, और एक तरफ जय श्री राम का भी नारा लग रहा है। तमाम पुलिस फोर्स मौके पे मौजूद है और देखिए किस तरीके से इस मंदिर पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी है। इधर दिखाइए जरा किस तरीके से, देखिए सीआरपीएफ की फोर्स यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान वो आला कमान मौजूद है और क्षेत्र की तमाम वो जनता मौजूद है। पहले तो ये देखिए मस्जिद मदरसा अवैध है, इसके लिए तो एक खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। एक हमने भी छोटा सा एक हनुमान जी का मंदिर बनाया जिसमें प्रशासन भी ठीक से नहीं आता, किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचाते, उसमें हमारी दिक्कत। सोचो कि ऐसे कितने मंदिर तोड़े गए और हम क्या करते रहे, सिर्फ हमने चूड़ियां पहन करके बैठी रही। 40 साल तो मैं हो गए देखते देखते, हमारे बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं जब से ये मंदिर है, 40 साल हो गए मुझे देखते देखते। आखिरकार ये मंदिर क्यों टूट रहा है? मुसलमानों को जलन होती है हमारी पूजा पाठ से, जलन होती है उनको, हम पूजा पाठ करते हैं उनको जलन होती है। जलन हो रहा है इसलिए मंदिर कि यहाँ खाना बना रखा है, भैंसा करता है लाइन लगा के। यहाँ पे मस्जिद भी है, मस्जिद है आगे। देखिए आपको बता दे इस मंदिर के ठीक 10 कदम की दूरी पे एक मस्जिद भी है, जो अगर लगातार अगर हम बता दें आपको जिस तरीके से सैकड़ों लोग जो आवाज उठा रहे हैं, उनका आरोप है कि मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है इनके मंदिर में पूजा करने से। और लगातार देखिए लोगों से जुड़ते हैं, क्या कह रहे हैं? हड्डी फेंकते, भैंसा काट करते, हड्डी भी फेंकते, कूड़ा भी फेंकते हैं, हम लोग आना जाना जुलूम करते हैं, बहन बैठ करके छेड़खानी करते हैं, चाकू चूरा उठाते हैं, हम कहां जाएंगे? पाकिस्तान में बसेंगे? पाकिस्तान में आया के यहां बसा रहे हैं लोग, पाकिस्तान में यहां आया के बस रहे हैं, हिंदू लोग कहां जाएंगे? हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाएंगे? हिंदू वाले लड़कियों के जीना कर रखे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, 25-30 साल हो रहे हैं। क्यों तोड़ा जा रहा है? जलन है मुमडन उनका और केजरीवाल को, हम लोग पूजा पाठ करते हैं इसीलिए इनको जलन है, इनको हमारे लिए बहुत विरोध है। केजरीवाल ने SDM पे दबाव डाला है इसलिए यह मंदिर तोड़ा गया है, और यहाँ इस कॉलोनी में इतना गंद होता है, सुबह शाम लड़कियाँ छेड़ी जाती हैं, सुबह स्कूल की बच्चियाँ छेड़ी जाती हैं, दिन भर गलियों में बैठ के नशा किया जाता है, गांजा दारू सब पिया जाता है यहाँ गलियों में। किसके इशारे पे ये पूरा काम हो रहा है? ये केजरीवाल के इशारे पे पूरा काम हो रहा है, केजरीवाल ने SDM पे दबाव डाला है और उसके जरिए ये तोड़ा गया है। ये सियासत कहाँ से शुरू हुई थी, आपको क्या लग रहा है पहले क्या हुआ था यहाँ? सबसे पहले जो हसनपुर पे मजार तोड़ी गई, उसके बाद यहाँ 3 मुस्लिम युवकों ने कंप्लेंट करी हमारे मंदिर की PWD ने आगे SDM को कंप्लेंट भेजी, SDM के ऊपर फिर आम आदमी पार्टी का दबाव आया और फिर ये मंदिर पे उन्होंने तोड़ने की कार्रवाई करी। इस मंदिर पे पूरी कॉलोनी की आस्था है, ये हमें नहीं पता। कहना है अगर ये इलीगल है, रोड पे है कहीं भी है, रोड पे है कहीं भी है, भाई अगर मंदिर है तो हमें जगह दी जाए मंदिर बनवाने के लिए। इस कॉलोनी में मंदिर नहीं है, पूरी अल्लाह कॉलोनी नाम है इसका, इसमें मंदिर नहीं है, हिंदू भी रहती है, ठीक है? इसको फैलाया गया, इसका नाम, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है, इस कॉलोनी का नाम पूर्वी स्कूल ब्लॉक है। अगर यहाँ मंदिर नहीं तो हमें अल्लाह दिया है अंदर, पर ये अवैध नहीं है, ये रोड की जगह नहीं घेर रहा, रोड नहीं घेर रहा, ये रोड नहीं घेर रही है, ठीक है? अगर रोड पे तो बताओ। अच्छा, साइड में मंदिर के कितनी दूरी पे मस्जिद होगा आप देख लीजिए, ये रही मजार मदरसा, ये रहा, दूरी नहीं है 100 मीटर भी दूरी नहीं है मस्जिद की, 60 या 70 मीटर दूर है मस्जिद। क्यों टूट रहा है ये मंदिर? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हमसे क्या प्रॉब्लम है, हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है ये पूछना चाह रहे हैं हम केजरीवाल से। मंदिर में पुजारी को सैलरी नहीं मिल रही है, मंदिर को पुजारी में सैलरी नहीं मिल रही, मदरसे वाले को सैलरी मिल रही है, नए मदरसे को 28,000 पुराने मदरसे को 30,000, क्या चक्कर है ये? मंदिर में पुजारी बैठता है उसकी भी सैलरी देनी चाहिए ना। कौन है इसके जिम्मेदार? केजरीवाल है, केजरीवाल सैलरी दे रहा है, किसको दे रहा है? मदरसे में दे रहा है, ठीक है? क्या शिकायत हुई होगी जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है? शिकायत क्या जी, हमारा मंदिर तोड़ने के लिए आया, हमें मंदिर नहीं तोड़वाना, बस हमें मंदिर नहीं तोड़वाना, अगर हमारा मंदिर तोड़ना भी है भैया हमें इस कॉलोनी में हमें जगह दी जाए। मंदिर को तोड़ने के लिए कोई नोटिस दिया गया आप लोगों को? कुछ बताया? कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, ठीक है? कोई नोटिस नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं भेजा है। प्रशासन झूठ बोल रहा है, सफेद एकदम झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है प्रशासन, ये कोई अवैध नहीं है। प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इससे पहले कोई लीगल नोटिस कुछ नहीं दिया हमें, तो क्या अवैध कहाँ से हो जाएगा? ये अवैध जो है अवैध वो है, उसको दिखाइए अवैध वो है,
ये हमारा लीगल है। जब सुबह आए आप लोगों को क्या कुछ बोला गया? प्रशासन ने कुछ नहीं बोला हमसे आके, वो सीधा तोड़फोड़ करने लगे यहाँ पर आकर। यहाँ जो महिलाएं हमारी बहनें जो पूजा कर रही थी उनको रोका गया, उनके साथ मारपीट की गई है, कई को कपड़े फाड़े लेडी, कई को चोटें लगी जो हॉस्पिटल में, और जो यहाँ की निगम पार्षद है शशि चांदना उनके भी चोट लगी है। अभी यहाँ पर बैठे हुए मैडम बैठी हुई है, कहाँ गई है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए सारे के सारे। यहाँ पे बगल में बताया जा रहा मोहल्ला क्लिनिक भी और आगे स्कूल के गेट के पास में, वो भी अवैध तरीके इसी जैसे ये फुटपाथ है, जैसे ये फुटपाथ है वैसे ही वो भी अवैध तरीके से बना हुआ है, तो उसको नहीं तोड़ते, उसको क्यों नहीं तोड़ते जाकर? इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या लगता है आपको कि कौन करवा रही है? साजिश तो खैर किसकी बताएं, साजिश किसकी बताएं, साजिश जो है साजिश तो ये बाद में पता चली कौन करा रहा है, लेकिन फिलहाल जो है वो एक्शन ऐसे नहीं लिया जा सकता। ये अवैध होता तो हम इसको खुद ही तोड़े। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा गया? प्रशासन हमारा अब चला गया यहाँ से, इसको ग्रिल को हटा के चला गया है। क्या बोल के गए? अभी कुछ नहीं बोला उन्हें, कह रहा मंदिर तोड़ेगा, ये जो रेलिंग लगी हुई है ये रेलिंग हटाएंगे, लेकिन रेलिंग अवैध नहीं है, मंदिर की सेफ्टी के लिए लगाया गया है। ये यहाँ पर पहले कुछ ऐसे असहमत तक तो खड़े होते थे, जो स्कूल से बच्चों को बच्चियाँ निकलती थी उनके साथ में अभद्र टिप्पणी अभद्र व्यवहार करते थे। अच्छा, 5 कदम की दूरी पे मस्जिद है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि उनके नमाज में या आपके पूजा में कोई बीच में कोई ऐसी अड़चने आती होगी, भाईचारों को खराब करता? ऐसा कोई ऐसी कोई अड़चन नहीं है अभी तक ऐसी कोई। वो अपनी नमाज पढ़ते थे, पहले रोड पर पढ़ते थे, फिर अवैध का वजह करके मस्जिद बनाई है, मदरसा बनाया गया है, पहले रोड पर थे सारे के सारे, पूरा रोड बंद होता था। नमाज शुक्रवार को इनका नमाज होता है, वो क्या मंदिर के मस्जिद के अंदर होता है? अंदर भी और बाहर भी, ये पूरी पार्किंग बना रखी है इन्होंने मस्जिद के बाहर, पूरा रोड कवर करके रखते हैं। पार्किंग क्या लीगल है? अनलीगल है, वो भी अनऑथराइज है। पूरा आइए, मतलब हिंदुओं के टैक्स के पैसे लिए उससे मस्जिद बनाई, लेकिन हिंदू मंदिर नहीं बना सकते अपने खुद के पैसे से, हिंदुओं के टैक्स के पैसे से मस्जिद बनाई है पूरी। कौन है इसके जिम्मेदार, किसके सारे पे हो रहा है? इसके जिम्मेदार ये है कि मौलाना ने वादा करा था कि ये मंदिर तोड़वा देंगे मुसलमानों से, मौलाना ने वादा करा, अभी SDM को जो भी करा, मैंने कहता पैसे ऐसे लेके, तो भाई ये हमारा मंदिर कैसे टूट सकता है? मतलब हिंदुओं के टैक्स के पैसे से सरकार चल रही है, हिंदुओं के टैक्स के पैसे से, उसके बाद मौलानाओं की सैलरी बंधी हुई है हमारे टैक्स के पैसे से, लेकिन मंदिर के लिए एक भी पैसा नहीं आता। मंदिर के लिए ऑर्डर आता है कि मंदिर को तोड़ दो। RW ने किया है सारा का सारा, ये यहाँ के RW उसने बनाया है ये सारा का सारा। RW कोई नोटिस नहीं दिया MCD ने, न किसी सरकार ने नोटिस दिया जाता है, कोई नोटिस नहीं दिया अभी तक। प्राचीन मंदिर है ये, काफी प्राचीन मंदिर। हाँ जी, की संख्या में जब पूजा करने आते हैं लोग कितने होते हैं? आ जाते हैं, मतलब काफी आ जाते हैं, मंगलवार दिन काफी लोग आ जाते हैं, भीड़ से शाम तक आते रहते हैं, लेडीज भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, हर कोई आते हैं। अब स्कूल की छुट्टी होती है, आप जब स्कूल की छुट्टी होगी जब देखना बच्चे कितने जने हाथ जोड़ के पंडित जी के प्रणाम करके सब कुछ देखोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कितनी भीड़ लगती है, क्या लगती है, पूजा सब जने करते हैं। जितनी संख्या में अभी फोर्स बल यहाँ पे तैनात थी, अगर वो बुलडोजर चला देते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? क्या जान दे देंगे, पर मंदिर नहीं तोड़ने देंगे बिल्कुल भी। पहली बात तो उनके पास आने नहीं देंगे, पहली बात तो हिंदू की जो संख्या है ना वो आपको खुद पता चल जाएगी कितनी संख्या है, कितनी भारी संख्या से लेडीजों को देख लो आप। अभी ये वो हिंदू नहीं है जो सोया हुआ है, अब हिंदू जाग चुका है। सबके ऊपर से बुलडोजर जाएगा तब मंदिर के पास पहुंचेगा, वैसे नहीं पहुंचेगा बुलडोजर की सरकार चाहे बुलडोजर चला दे, बुलडोजर ऐसे नहीं चलेगा। बुलडोजर हम सबके ऊपर से जाएगा जब मंदिर को छुएगा बुलडोजर, ऐसे नहीं छू सकता मंदिर को ऐसे नहीं छू सकता बुलडोजर, पहले हमारे ऊपर से बुलडोजर गुजरेगा तब पूछेगा। ये मदरसे में पशु काटे जाते हैं, ये उन लोगों की साजिश थी कि यहाँ मंदिर है और हम मदरसे में पशु नहीं काट सकते। मदरसा जो होता है वो ज्ञान का केंद्र होता है, और ज्ञान के केंद्र में अगर पशु काटे जाते हैं तो बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। लग रहा है आपको कभी हिंदू मुस्लिम की इस तरह से कोई आपसी विवाद हुआ होगा, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है या कोई और कारण है? आपसी विवाद कुछ नहीं हुआ, जब से ये मजार टूटा है, ये जब से इस मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारा मजार टूटा है तो ये मंदिर भी हम तोड़वा के रहेंगे। मजार टूटा इसलिए ये मंदिर तोड़वाने की कह रहे हैं? हाँ जी। तो आपको बता दें यहाँ की जनता के अंदर एक आक्रोश है, वो आक्रोश इसलिए है कि किसी तरह इस मंदिर को जो है बचाने के लिए। केजरीवाल का समुदाय विशेष की वोट बैंक को साधने के लिए करवाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर में विशेष समुदाय के लोग भी काफी संख्या में रहते हैं, उन्होंने बराबर में मदरसा बना रखा है, मस्जिद बना रखी है जो कि पूरी तरह से अवैध है, लेकिन उन्हें सिर्फ ये मंदिर तोड़ने के लिए उन्होंने करा है, क्योंकि उन्हें विशेष समुदाय को अपना वोट बैंक बनाना और कुछ नहीं है इसके अलावा। कोई नोटिस दिया गया आप लोगों को? नहीं है, कोई नोटिस नहीं है हमारे पास में,
कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है। एसडीएम साहब खुद आए हैं तोड़वाने के लिए और सुबह से यहीं पर मौजूद हैं वो। ये सिर्फ अपना वोट बैंक साधने के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए केजरीवाल का काम है और कुछ नहीं है इसके अलावा। यहाँ के लोगों से बात हुई है, कह रहे आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के विधायक हैं उनका प्रेशर रहा है प्रशासन पे। बिल्कुल जी, उनका केजरीवाल के जो विधायक है कुलदीप कुमार मोनू, उनका पूरा प्रशासन पर पूरा दबाव रहा है, उन्हीं के दबाव में एसडीएम काम कर रहा है। दिखाइए, ये मंदिर है, तमाम पुलिस प्रशासन है मौके पर और देखे किस तरीके से सभी लोगों को हटाया जा रहा है और किसी ना किसी तरह का दबाव भी सामने दिख रहा है। देखे तमाम लोग मंदिर के अंदर घुसे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी मंदिर को, अपनी सनातनी धर्म को बचाने की लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आरोप बड़ा यही है कि आखिरकार ये जो मंदिर तोड़ने आए, जो बुलडोजर लाया गया इस मंदिर को बचाने के लिए, तमाम क्षेत्र की वो हिंदू लोग जो है इस मंदिर को बचाने के लिए आ गए। और उनका ये भी कहना है कि पास में जरा इधर आइए और ये दिखाइए मस्जिद, बिल्कुल मात्र 5 कदम की दूरी पे एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद। कहीं ना कहीं अगर एक एंगल से देखें तो भाईचारे को भी दर्शाता है, लेकिन वो भाईचारा कहीं ना कहीं अतिक्रमण या बुलडोजर में बदलता हुआ दिख रहा है। ज़रा इधर दिखाइए, मेरे राइट हैंड साइड में एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद, और दोनों के बीच में देखिए पुलिस बैरिकेड लगी है, तमाम पुलिस फोर्स है मौके पे, सीआरपीएफ के जवान है, दिल्ली पुलिस कर्मी है और क्षेत्र की सैकड़ों जनता है जो कहीं ना कहीं इस मंदिर की लड़ाई में आगे है और इस मंदिर को बचाने के लिए पूरा अपने जद्दोजहद लगा रखी है। तमाम सैकड़ों जनता देखिए सामने, ज़रा यहाँ से दिखाइए, पुलिस के आला कमान मौके पे मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये जो है लोग यहाँ से जाए। और क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें जिस तरीके से मंदिर को बचाने के लिए क्षेत्र की जनता एक होकर सामने आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक चुनौती हो रही है कि लोगों को समझाने, वो कैसे समझाए, तमाम लोगों को अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन लोग देखिए इधर किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं मौके पे, तमाम वो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और मंदिर को तोड़ने के लिए मना कर रहे हैं। एक बड़ी बात आपको बता दें यहाँ पर कि एक तरफ मंदिर दूसरी तरफ मस्जिद, दोनों के बीच में एक कसम कस की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं मंदिर को बचाने की लड़ाई है जो यहाँ की क्षेत्र की जनता कर रही है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये मंदिर कोई आज नहीं बनाया गया, लगभग 2500 वर्ष पहले का ये मंदिर है। क्या कहना चाहेंगे? ये केजरीवाल का तालिबानी चेहरा था, जिस प्रकार तालिबान में मंदिर तोड़े गए उसी प्रकार तर्ज में आज दिल्ली में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। और मंदिर हिंदुओं को टारगेट कर मंदिर एसडीएम के द्वारा, पहले एमसीटी के द्वारा तोड़े जाते थे, पर आज एसडीएम और डीएम मंदिर तोड़ रहे हैं। और 10 कदम में मस्जिद है, मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं, पर ये लोग मंदिर को सॉफ्ट टारगेट है। बगल में मोहल्ला क्लिनिक है, अगर नाले के ऊपर कार्रवाई है तो मोहल्ला क्लिनिक तोड़ो आप, पर आप तोड़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं आज सब लाखों हजारों हिंदुओं ने अपना परिचय दिया और मंदिर को तोड़ने नहीं दिया और मंदिर बच चुका है। ये केजरीवाल का असली चेहरा है, सबके सामने आ रहा है, राम मंदिर का विरोध करता है हमेशा, इन्हीं हिंदुओं से बोल लेता है, इन्हें हिंदुओं के मंदिर को तोड़ता है, ये उसका पुराना चेहरा है। हमेशा गिर की तरह रंग बदलता है। मजार टूटा, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, यहाँ तो कोई ऑर्डर ही नहीं था, ये तो PWD आई, DM आया, अपना मनमाना अपना तानाशाही दिखाई और तानाशाही के तौर में इनका वो तोड़ गए 2-3 ग्रिल, पर इनका टारगेट पूरा मंदिर तोड़ने का था, पर मंदिर बच गया और सब लोगों ने बचाया और मंदिर नहीं टूटेगा। मंदिर का गेट है वो, मंदिर का द्वार है, आप द्वार को तोड़ दोगे तो आप मस्जिद को भी, आप मंदिर को भी तोड़ सकते थे। आपने मंदिर नहीं तोड़ना था तो इतना फोर्स, इतना तामझाम क्यों आए आप? आप आते 2 ग्रिल निकाल के ले जाते, आपने पूरी पैरामिलिट्री फोर्स बुला ली, 5000 से ज़्यादा पुलिस कर्मी यहाँ तैनात कर दिए, सब लोग को बुला लिया। कहीं ना कहीं आपकी मंशा थी मंदिर तोड़ने की, वो तो सब लोगों ने विरोध किया, इसलिए उल्टे पाँव उनको जाना पड़ा। हम तो सोचते हैं मंदिर रहे, पूजा पाठ होती है, हम लोग पूजा उजा करने आते हैं, इसमें क्या खराबी है ये बताइए? क्यों तोड़ा जा रहा है इस मंदिर को, कुछ पता ही नहीं क्यों तोड़ा जा रहा है, जब मस्जिद है तो मंदिर भी होना चाहिए, हम लोग कहाँ जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए? मतलब है कि ये जो है रोड पे है, ठीक है, रोड पे है, कहीं अगर बस आए तो कहीं अगर अचानक ब्रेक फेल हो जाए तो यहाँ पर बैठ के हरि कीर्तन करते हैं, कहीं चोट चाट लगा गई, इसके वजह से यहाँ पर पहले थाना था वो हटाना चाह रहे हैं। ये लोग कह रहे नमाज वाले दिन मस्जिद के लोग भी बाहर नमाज पढ़ते हैं, ये भी बात हो सकता है, वहाँ भी फेल हो सकता है, बिल्कुल वहाँ का भी फेल हो सकता है, उधर भी जा सकती है गाड़ी,
ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन प्रॉब्लम उससे हो रही है हमें, ठीक है, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर नहीं टूटने देंगे सर, सीधी बात है, मंदिर अपनी जगह पे है, जहाँ था वहाँ रहेगा। क्या यहाँ कंप्लेन करता है, एकदम रोज के रोज पर कंप्लेन करता है, लड़कन लड़कन सब करता है, मुसलमान लोग मस्जिद यहाँ पर मदरसा में मीटिंग करता है, तोड़ने के अथी करता है। किस तरह का किया कि यहाँ तोड़ दिए जाए ग्रिल और सारे कुछ एकदम। भजन कीर्तन होता है यहाँ, मतलब पूजा पाठ होती, इसलिए उनको व्यवस्था की आजान हो खाली और वो ही हो, मेरा मेरे यहाँ कुछ ना हो। हाँ, हिंदू धर्म को, अरे नहीं, अब इनकी आजान होता तो कोई बात नहीं होती, हमारी पूजा होता तो इनको क्या प्रॉब्लम है, हमारे पूजों से इनका क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर ये मंदिर टूट जाता है या बुलडोजर चल जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं नहीं टूटने, नहीं टूटे, नहीं टूटे, नहीं मेरे को मंदिर के लिए जगह दो, पार्क का पीछे वाला मुझे। अगर आपको जगह दे देते तो ये मंदिर हटवाने को तैयार है? हटाएंगे, लेकिन यहाँ पे पार्क दे दो। नहीं हटाएंगे, मंदिर क्यों हटाएंगे, मस्जिद हटाए, मस्जिद इलीगल है, ये जो यहाँ बनाई है सब इलीगल है, मंदिर क्यों हटाएंगे? हाँ, पार्क में दे दे, पार्क दे दे हमें, हम अपना मंदिर बनाएंगे, ये हमारा 40 साल पुराना मंदिर क्यों तोड़ देंगे हम? केजरीवाल तो हमें हटाने के चक्कर में, मंदिर को केजरीवाल हमें जमीन दे रहा है मंदिर के लिए, वो तो मस्जिद के लिए देगा जमीन, मंदिर के लिए जमीन दे रहा है वो? 40 साल पुराना मंदिर ये उसके घर में बना हुआ है, केवल वोट बैंक की लड़ाई है और कुछ नहीं है। कि मदरसे के मौलाना को सैलरी दी जाती है और मंदिर तोड़ा जाता है, तो ये अब ये देखो ना, मदरसे के सारे मौलाना को सैलरी दी जाती है, कौन सा मंदिर के पंडित को सैलरी दी जाती है ये बता दो आप, तो ये धर्म निरपेक्ष राजनीति के है कि नहीं है ये बताओ जरा। है धर्म निरपेक्ष देश है ये, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सारे धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन यही बगल में इलीगल मस्जिद रहे और मंदिर तोड़ी जाए, ये कौन सा धर्म हुआ भाई, ये बता दो जरा मुझे। मतलब मस्जिद इनलीगल है तो रहेगी, मंदिर इनलीगल है तो नहीं रहेगी, 40 साल पुराना मस्जिद से पहले का मंदिर है तो मंदिर तोड़ देंगे और मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, ये कौन सा रणनीति है, सारा केजरीवाल की देन है। तो देखा आपने, सुबह से ही कवायद जो थी यहाँ मंडावली के शनि मंदिर को तोड़ने की, कहीं ना कहीं प्रशासन उसमें विफल रही और जनता सफल रही मंदिर को बचाने के लिए, क्योंकि अक्सर लड़ाई इसी बात की थी, प्रशासन द्वारा बताया गया था जनता को कि जो मंदिर की ग्रिल है वो इलीगल है और उसको तोड़ने आए हैं, और बुलडोजर के साथ आए थे, तमाम पुलिस की वो बसें आई थी जिसमें लोगों को डिटेन भी किया जा सकता था, लेकिन एक अहम बात आपको बता दें, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन विफल रही है और जनता मंदिर को बचा पाई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद के साथ उदय हिंदुस्तानी, द न्यूज़ 15 दिल्ली।